हापुड़ में एक राशन डीलर की जांच प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों ने शुरू कर दी है। सोमवार की शाम तक आंखें आने की उम्मीद है। गड़बड़ी मिलने पर विभाग राशन डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि हापुड़ के चमरी से एक राशन डीलर की वीडियो इन दिनों सुर्खियों में है, जहां राशन डीलर द्वारा रिक्शा में सफ़ेद रंग के प्राइवेट कट्टे ले जाए जाने का मामला सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने जांच शुरू कर दी है। एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हुई थी, जिसमें वो राशन की दुकान से चमरी में जो स्थित है, उसमें डीलर के द्वारा एक रिक्शे में कुछ कट्टे ले जाए जा रहे थे, तो उसकी जांच के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर को भेजा गया है और सप्लाई इंस्पेक्टर से इसकी जांच आख्या मंगाई गई है। आज शाम तक जांच आख्या आने की उम्मीद है। SDM सदर हापुड़ दिग्विजय सिंह ने बताया कि चमरी के राशन डीलर की वीडियो सामने आने के बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच शुरू कर दी है। सोमवार की शाम तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।